ऑन टॉप की मिनी 14 के साथ। और यहां पर मेगा वैक्सी ने शैडो को शैडो का किल कंफर्म किया है। मिस्टर स्प्रे प्रॉपर स्प्रे करके वहां पर शॉट करना चाहते हैं। मेंटियो भी को एक खो चुके जब सोल सांगवान ने एक तरीके से 1v2 किया था, बट देन ऑब्वियसली सेकंड प्लेयर रिवाइव हो चुका था। हाइपर टाइप वहां पर डाउन हो जाते हैं कैरी ओपी के द्वारा। सो टीम तमिलास इज गोइंग ऑन अ रोल एंड उनके पास हायर एरिया भी है एंड वो फिनिश भी करना चाहेंगे जो उन्होंने स्टार्ट किया है। अभी थोड़ा सा नीचे गिर चुके हैं बट सो फार इट्स लुकिंग सो गुड फॉर देम। बिल्कुल, बट कैरी यहां पर अपना किल कंफर्म करेंगे और सामने वाले शेक पे हाइप के दो और प्लेयर्स हैं। यहां पर किल अपने नाम करते हुए कैरी ओपी और एक शेक पे एक ग्रेनेड, दो प्लेयर यहां पे पूरे फिनिश हो जाएंगे। यहां पे गुरका वाईटी भी ट्राई करेंगे आगे जाके, ये सब पे सिंगल टैप डाल सकते हैं। मिस्टर स्प्रे वहां पे नॉकडाउन कर दिए गए हैं। अब देखते हैं कवर फायर के साथ, बट वहां पे कैरी ओपी ने 1 वर्सेस 2 फाइट यहां पे एंगेज कर लिया। क्या ये वाली फाइट निकाल पाएंगे अपने नाम पे? बट यहां पे फैन के पीछे जाके कवर फायर लेते हुए यहां पे कैरी ओपी इज 1 एचपी ओवर है, ये एक नॉक कर दिया है। क्या दूसरा प्लेयर भी यहां पे नॉक कर, गुरका वाईटी लेफ्ट हैंड साइड से आता हुआ है। यहां पे कैरी ओपी भी नॉकडाउन होते हुए, क्या पीछे से कवर फायर मिलेगा? एक प्लेयर बचा था ऊपर टीम तमिलनाडु का जो कि स्ट्राइकर है और वहां पे मिस्टर स्प्रे भी नॉकडाउन है। अब यहां का 1v1 का सिचुएशन, क्या गोरखा वाईटी अपने लिए ये फाइट निकाल पाएगा? मिस्टर द स्ट्राइकर के लिए यहां पे ये फाइट निकाल ऑब्वियसली मुश्किल था बिकॉज़ एक बहुत छोटा सा वहां पे होल रहता है उस वाले शेक पे। गोरखा वाईटी डिड दैट 1v3 सिचुएशन। बट टीम